आप देख रहे हैं ARTV चैनल। बीजेपी की जानिब से गुडिमल कपूर चौराहा पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तकरीब मुनक़द की गई। उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज पेश किया गया। इसी तरह शहर के दिगर मुकामात पर भी इसी तरह की तकरीब मुनक़द की गई। बलिदान के अंदर आज का दिन जो बलिदान का दिन है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जब ये मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट में तो उन्होंने एक ही नारा उठाया था। वो नारा था देश में एक ही कानून होना चाहिए। अगर एक देश है तो एक कानून रहा तो देश पूरी दुनिया में है ना हम तरक्की कर सकते। अगर जिस देश के कानून दो दो है तो हम तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि एक नारा उनका था। आज श्यामा प्रकाश मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है उनको हम याद करते हुए हम देश की तरक्की के लिए ये जो आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस जो मना रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते को लेकर देश की उन्नति देश की तरक्की के लिए चलना, बोल के वो किसी जाति किसी भेदभाव के ताल्लुक से नहीं बल्कि उन्होंने देश के हर नागरिक के उन्नति के लिए देश में एक कानून होना बोल के उन्होंने कैबिनेट से है ना अपना रिजिग्नेशन देकर संघ का निर्माण किया था। और वो संघ का उद्देश्य की है कि देश में तरक्की होना देश की उन्नति होना देश कैसे आगे बढ़ना, और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में है ना बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है और अच्छी तरक्की कर रहा है। ये ऐसे ही हर नौजवान को हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को यहाँ की जनता को उनके आदेशों पर चलकर देश के लिए काम करना है देश की तरक्की के लिए काम करना है बोल के जो बोले उनका आभार प्रकट करते हुए भारत माता की जय जय। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।